बर्फ की मलिका। ग्रीडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रीडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है। ग्रेडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। केने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकाल कर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो गैडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस शब जब वो सोने जा रहा था, तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब गैडा के से मुलाकात को आई, तो वो वहाँ पर नहीं था। गैडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जाने भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। गैटा ने ऊपर देखा, वहां एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं, तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गैटा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा। और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक जईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी, मेहरबानी करके मुझे वहां ले जा सकती है? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी पर ये गायब हो गई और गैडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी, वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गैडा को एक झोपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ़ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ़ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गैडा की मदद की। हालांकि गैडा इस अजीब सी ज़ईफ़ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गैडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरे के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोपड़ी के अंदर चले गए। वहां मेज पर खूबसूरत जरी का एक कटोरा था। गैडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी, अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैडा खा रही थी, तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैडा के बारे में भूल गई
क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैड़ा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैड़ा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैड़ा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैड़ा बागीचे के गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया। ट्रोल्स गैड़ा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है, वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैड़ा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैड़ा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैड़ा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैड़ा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे, तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने केको देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारा सिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी, तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारा सिंगा की रस्सियां खोल दी। गैड़ा और बारा सिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैड़ा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यही इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुँचाऊंगा। गैड़ा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि एकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैड़ा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैड़ा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैड़ा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे के मिला। वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के, मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैड़ा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैड़ा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैड़ा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के, मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारा सिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वे अपने घर के लिए उड़ कर गए। उनकी आंखों से खुशियाँ और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त।
थंबलीना। एक मर्तबा एक खातून थी, उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि उसे एक नन्हा सा बच्चा हो, लेकिन ऐसे बच्चे को कहाँ ढूंढे। इसलिए वो एक नेक चुड़ैल के पास चली गई और कहा, मुझे एक नन्हे बच्चे की विलादत की बेहद बेसब्री है, बराए मेहरबानी क्या आप मुझे बता सकेंगी कि मैं उसे कहाँ तलाश करूँ। बेहद आसान है, ये यौ का बीज आप ही के लिए है, इसे गमले में रखो और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपका बेहद शुक्रिया। उसने वो बीज लिया और घर जाकर पहली फुर्सत में उसे गमले में बो दिया। जल्द ही वो एक फूल में तब्दील हो गया और एक घंटे की तरह दिखने लगा, लेकिन उसकी पंखुड़ियाँ कसी हुई थी, उसकी कली भी थी। कितना खूबसूरत फूल है ये। उस खातून ने उसके सुर्ख और जर्द पंखुड़ियों का बोसा लिया और जैसे ही उसने बोसा लिया वैसे ही वो फूल ने बड़ी आवाज की और वो खिल गया। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी, वो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, लेकिन वो इंसान की उंगली से भी बड़ी न थी। कितनी खूबसूरत बच्ची है, आज से मैं तुम्हें पुकारूंगी थंबलीना। एक अखरोट का उसके लिए प्यारा सा झूला बनाया गया जिसमें वो रात को सोया करती, और दिन के वक्त वो खातून ने मेज पर सजाए हुए फूलों के साथ खेला करती। प्लेट में एक बड़े फूल की पंखुड़ी तैरती थी। थंबलीना उस पंखुड़ी का इस्तेमाल नाव की शक्ल में करने लगी और सफेद घोड़े के बालों की जोड़ी का चप्पू बनाकर तैरने लगी। वो उस प्लेट में तफरी कर सकती थी। वो गाना भी बेहद सुरीला गाती थी, जो भी उसकी आवाज सुनता उसे वो मीठा लगता। एक रात जब वो झूले में आराम फरमा रही थी, तब एक भयानक मेंढक खिड़की से कूद आया और उसके करीब आ गया। मेरे बेटे के लिए ये एक अच्छी अहलिया रहेगी। उसने उस अखरोट के खोल को काबिज कर लिया जिसमें थंबलीना सो रही थी, और उसके साथ वो खिड़की के बाहर कूद गया और बागीचे में चला गया। मेंढक अपने फर्जंद के साथ रहता था, वो अपनी माँ जैसा ही था लेकिन पतला और भयानक। ड्राव, ड्राव। जोर से मत बोलो, वो जग जाएगी। वो हमसे दूर न जाए इसी के लिए पानी की सतह के नजदीक किसी कुमुद के पत्ते पे बिठाएंगे। उसे छोटी और हल्की होने की वजह से उसे ऐसा लगेगा वो द्वीप पर है। पानी की सतह पर बड़े हरे पत्तों के साथ बहुत ही खूबसूरत कमल खिल रहे थे। एक पत्ता जो किनारे से दूर था और तमाम पत्तों से बड़ा था, उस पत्ते पर ज़ईफ मेंढक ने अखरोट की खोल रख दी जिसमें थंबलीना आराम फरमा रही थी। अगले रोज बेचारी नन्ही थंबलीना उठ गई और जब उसने देखा कि वो कहाँ है, तो वो जोरों से रोने लगी। उस बड़े पत्ते के चारों तरफ पानी ही पानी था और उसे किनारे के करीब जाने के लिए कोई राह नजर न आई। थंबलीना नीचे बैठी और रो पड़ी। उसके करीब ही नीचे पानी में तैरने वाली छोटी मछलियाँ थी। उस नन्ही लड़की को देखने के लिए मछलियाँ ऊपर आ गई। जब उन्होंने उसकी यह हालत देखी तो वो बेहद अफसरदा हो गई। उन सभी ने पत्तों से जुड़ी टहनी को अपने दांतों से काट दिया, जिसकी वजह से वो पत्ता तैरने लगा और मेंढक की दस्तरस से काफी दूर चला गया। दूर, इतनी दूर कि वो उसे पकड़ ही ना पाया। अब वो जहाँ मौजूद थी वो अनाज के खेतों का मैदान था, जिसका अनाज बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, और जो बाकी बचा था तो वो थे सूखे डंठल, मानो किसी वीराने में फंसी हो। फिर वो एक घर के दरवाजे के पास पहुँची जो एक चूहे का था। उस प्यारे चूहे के पास कुछ खाने का अनाज था। उस गर्म से मकान में चूहा रहता था। थंबलीना उस चूहे के दरवाजे के पास खड़ी रह के फकीरों की मानिंद थोड़े से अनाज के लिए भीख मांगने लगी। उसे बेहद भूख लगी थी। ओ मायूस नन्ही बच्ची, मेरे गर्म कमरे में दाखिल हो जाओ और कुछ नौश फरमा लो। बदले में तुम्हें मेरा कमरा साफ करना होगा और मुझे मजेदार कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। मुझे कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। खेत में रहने वाले उस ज़ईफ रहमदिल चूहे का थंबलीना ने कहना मान लिया और उसे मजेदार कहानियाँ सुनाने लगी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन खेत का चूहा थंबलीना के करीब आया
हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। हफ्ते में एक मर्तबा मुझसे मिलने मेरे पड़ोसी आते हैं और वो मुझसे भी अच्छे हैं। अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी, क्योंकि वो तो छछुंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछुंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछुंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी। लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछुंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरे जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे, तब छछुंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछुंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो अच्छा चाहते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था। वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्नी बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है, मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊँगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है, नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बगीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था, लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है।
हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा, उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थंबलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्द ही थंबलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थंबलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुमने लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। खरगोश और हिरन। बच्चों, आपको चंदा मामा पसंद है ना? तो ये चंदा मामा की ही कहानी है। काफी सदियों पहले ये चंदा मामा अपनी सवारी से आसमान की सैर पर निकल जाते थे। उनकी सवारी को घोड़े नहीं बल्कि एक खूबसूरत हिरन खींचा करता। हिरन का हुस्न नायाब था, बड़े बड़े सींग और छोटे छोटे नुक्तों वाला जिस्म। ये हिरन चंदा मामा को बेहद अजीज था। चंदा मामा उसे बहुत प्यार किया करते, उसे मुलायम मुलायम घास खाने देते, नरम और हरी पत्तियां खिलाया करते। बहुत ही अजीज हो गया था ये हिरन। एक दफा यूं ही चंदा मामा अपने हिरन के साथ जन्नत के बगीचों की सैर पर निकल पड़े। इतने में उनकी नजरें एक दरख्त की तरफ मरकूज हो गईं। हाय अल्लाह, कितना हसीन है ये। बच्चों पता है वहां कौन था? वहां था एक खूबसूरत सफेद और गोल मटोल खरगोश। बगीचे की सब्ज घास के ऊपर वो नर्म रुई की तरह का खरगोश बिल्कुल नुमाया था। उसकी आंखें सुर्ख याकूत की तरह चमक रही थीं। हिरन और चंदा मामा की आहट सुनकर वो झट से झाड़ियों में छुप गया। लेकिन चंदा मामा को वो खरगोश इस कदर पसंद आ गया था कि उन्होंने उस घबराए हुए खरगोश को गोद में उठाया। खरगोश की धड़कनें तेज हो गई थीं। चंदा मामा ने उसे प्यार से अपने सीने से लगाया और हिरन के रथ पर सवार होकर अपने घर की ओर निकल पड़े। उस दिन के बाद उन्होंने खरगोश के लाड उठाने शुरू किए। चंदा मामा जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ खरगोश उनके हमराह होता, उसे अपनी गोद में ही लेकर बैठा करते। बेचारा हिरन, अब उससे किसी को उल्फत न रही थी। चंदा मामा हर वक्त सिर्फ खरगोश को ही लेकर बैठे रहते। हिरन को खरगोश से हसद होने लगी। बेचारा आखिर करता भी क्या, बस चुपचाप बैठे रहता। एक दफा कुछ यूं हुआ कि सवारी खींचते खींचते हिरन बिल्कुल थक गया। उसे बेहद भूख लगी थी तो वो एक बगीचे में जाकर वहाँ की पत्तियां खाने लगा। ओ गुस्ताख हिरन, किसके पौधों की पत्तियां खा रहे हो? हिरन ने पीछे मुड़कर देखा तो खरगोश कमर पर हाथ रखे बड़े ताव से बोल रहा था। हिरन को बहुत गुस्सा आया। पहले तो भूख लगी थी और अब रूबरू ये खरगोश। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे इससे मतलब इसलिए क्योंकि ये पौधा मेरा है। तुमने उसकी पत्तियां खाने की जुर्रत कैसे की? तुम्हारा कैसे हो गया ये पौधा? ये बगीचा तो चंदा मामा का है और मैं भी उनका प्यारा हूँ। मैं पत्तियां जरूर खाऊंगा। इन पत्तियों को हाथ तो लगाओ, फिर देखो कैसी पिटाई होती है तुम्हारी। जाओ जाओ जाओ, मारोगे मुझे। सिंह नहीं देखे मेरे? चंदा मामा से तुम्हारी शिकायत करूंगा, तब अकल आएगी। खरगोश तो गुस्से से तप गया। उसकी याकूत जैसी सुर्ख आंखें और भी सुर्ख हो गईं। जाओ जाकर शिकायत कर दो, चंदा मामा मेरा क्या बिगाड़ेंगे। हिरन भी तप गया। सुनो खरगोश, चंदा मामा के करीब हो गए तो इसलिए इतना ना इतराओ, उन्हीं के दुलार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। आखिर ये चंदा मामा है क्या? सारी दुनिया में चांदनी की सफेद रोशनी मेरी ही तो बदौलत है, समझे? खरगोश की ये बदतमीजी देखकर हिरन हैरान रह गया और वहां से चला गया। अगले दिन खरगोश फिर रोजाना की तरह चंदा मामा की गोद में बैठा था। हिरन वहां पहुंचा और फरमाने लगा, चंदा मामा चंदा मामा, आपने इस खरगोश को हद दर्जा सर पर चढ़ा रखा है। क्या हुआ हिरन, क्या माजरा है? आपको खबर भी है कल क्या हुआ? कल क्या हुआ? कल कल मैं अपने बागीचे के पौधों की पत्तियां नोश फरमा रहा था, बेहद भूख जो लगी थी मुझे, तभी ये खरगोश वहाँ वारिद हुआ और मुझसे उलझने लगा।
खरगोश तुमने लड़ाई की? क्या ये सच है खरगोश? हाँ बिल्कुल, वो मेरे पौधों की पत्तियाँ खा रहा था। चंदा मामा, वो पौधे तो हमारे भी है ना? या इस खरगोश की मिल्कियत है सिर्फ? हाँ वो मेरी मिल्कियत ही है। देखे देखे कैसे झगड़ रहा है। और हाँ, ये कल क्या कहता है पता है? कि इस दुनिया में जो चांदनी फैली हुई है वो इसके सफेद जिस्म की देन है। ये सारा वाकया सुन चंदा मामा बहुत तेश में आ गए। क्यों खरगोश, ये हिरन क्यों फरमा रहा है? हाँ तो बिल्कुल सही बात है, यही वजह है जो आप मुझे अपने हमरा रोज रोज घुमाने ले जाते हो। चंदा मामा का गुस्से से पारा चढ़ गया। उन्होंने खरगोश को अपनी गोद से उठाकर पटक दिया। जाओ, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ दफा हो जाओ उस दुनिया में, मेरे प्यार ने तुम्हें मकरूर बना दिया है। जमीन पर आते ही खरगोश के लाड़ और दुलार सब खत्म हो गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था। तभी एक रोज उससे हिरन मुलाकात के लिए आया। क्या हुआ खरगोश मियाँ, क्या हालत बना दी अपनी, अब कहाँ गई सारी तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? भाई हिरन, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे मेरे किए पर बहुत अफसोस है। तुम्हारी चंदा मामा की मुझे बहुत याद आती है, मुझे वहाँ आने की ख्वाहिश होती है। हिरन को उस पर रहम आया। भाई खरगोश, क्या सच में तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? अब रोना नहीं, मैं चंदा मामा से बात करूंगा। आओ चलें चंदा मामा से मिलने। खरगोश को हमरा लेकर हिरन चंदा मामा के रूबरू हाजिर हुआ। चंदा मामा, मेरी मुलाकात खरगोश भाई से हुई। हाँ तो? जमीन पर बेचारे की बुरी हालत हो रखी है। तो फिर उसके लिए मैं भला क्या कर सकता हूँ? ऐसे ना कहें चंदा मामा, खरगोश तो आपका बहुत दुलारा था, आपको उसकी हालत पर तरस नहीं आया? एक बात समझ लो हिरन, मकरूर लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चंदा मामा, जितनी सजा मिलनी थी मिल चुकी ना, आप उसे वापस ले आए ना। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो बुला लो उसे। हिरन दौड़कर बाहर गया और खरगोश को अपने संग अंदर ले आया। रोते हुए खरगोश को देख चंदा मामा रंजीदा हो गए। उन्होंने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया। देखो खरगोश, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली। इंसान को कभी दूसरों के सहारे नहीं बल्कि खुद मुख्तार होना चाहिए। तुम हमारे साथ अब रह सकते हो, लेकिन अब पहले की तरह मैं तुम्हें रोज रोज सैर के लिए नहीं ले जाऊंगा। तुम्हें सिर्फ 14वीं रात के वक्त ही ले जाया करूंगा, और बाकी दिनों में मेरे हमरा मैं सिर्फ हिरन को ले जाऊंगा। और उस दिन से बच्चों, चंदा मामा सिर्फ 14वीं रात ही खरगोश को अपने साथ रखते हैं और बाकी दिनों में सिर्फ हिरन को। आपने कभी देखा या नहीं? नहीं ना, तो आज रात जरूर देखिएगा। हाँ, चंदा मामा के साथ आसमान में आखिर कौन है, हिरन या खरगोश? छोटा तिलिस्माती कलम। नोआ अपनी स्कूल की बस से उतरकर सड़क पर चलने लगा। ये वही छोटा सा देहात है जहाँ वो रहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का आज सबसे अजीबोगरीब दिन होगा। वो एक फुटपाथ पर चल रहा था, तभी उसने एक जईफ आदमी को देखा जो कि ठंड से कांप रहा था और वो बहुत भूखा लग रहा था, और खाने के लिए वो बेहद आजिजी के साथ में भीख मांग रहा था। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? नोआ को ज़ईफ़ आदमी को देखकर रहम आया, इसीलिए वो करीब की ही एक दुकान में गया और उसने खाना खरीदा। साथ ही साथ उसने पानी की बोतल भी खरीदी और दुकानदार को वो पैसे दिए जो उसने अपने नए पेंसिल बॉक्स को खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। वो ज़ईफ आदमी उससे ज्यादा दूर नहीं था। ये लीजिए, ये आपके लिए है। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सोचा कि मैं शायद भूखा ही मर जाऊंगा। तुम बहुत रहम दिल हो। खाना खाने के बाद और थोड़ा पानी पीने के बाद, यानी कि नोआ ने मोहब्बत से उसकी देखरेख की, तब वो ज़ईफ़ आदमी बेहतर महसूस करने लगा और उसे नोआ पर फख्र हुआ।
मैं बहुत लंबे वक्त से एक रहम दिल इंसान की तलाश कर रहा था। मुझे यकीन है कि आज मेरी वो तलाश खत्म हो गई है। नुआ पसोपेश में था जब उसने सुना, तो उसने उस ज़ईफ़ आदमी से मोहब्बत से पूछा, आपका क्या मतलब है? ज़ईफ़ आदमी ने अपने पास ही झोली में हाथ डाला और एक पुराना सा डिब्बा निकाला। उसके अंदर की चीजों को दिखाने के लिए वो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था, वो संजीदा और खामोश दिख रहा था। अंदर एक बहुत पुराना कलम था जो कि रोशन छोटे सितारों की तरह चमक रहा था। इस नज़ारे को देखकर नोआ हैरान हो गया। एकदम ही ज़ईफ़ आदमी ने डिब्बे के जंग लगे ढक्कन को बंद किया और कलम नोआ के हवाले कर दिया। नोआ, हाँ, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ और बहुत लंबे वक्त से तुम्हारे जैसे लड़के की मैं तलाश कर रहा था जो दूसरों की मदद के लिए अपनी ख्वाहिशों को भी तर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम इस जादुई कलम से दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम जो भी चाहते हो उसकी तस्वीर बनाओ, वो फौरन ही तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओह, क्या वाकई? अरे वाह, बहुत शुक्रिया रहम दिल जादूगर। अब मैं जब चाहूँ तब लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन दो बातों को याद रखो, इस तिलिस्म को तुम किसी को भी मत बताना वरना तुम इससे दूर हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े, तुम बस मेरी एक तस्वीर बनाना, मैं वहाँ एक ही लम्हे में पहुँच जाऊँगा। आप फिक्र मत कीजिए जादूगर, मैं आपका मशवरा याद रखूँगा। एकदम ही पलक झपकते ही जादूगर गायब हो गया और नोआ खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ा। नोआ अपनी जादुई कलम को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, तो उसने एक केक और एक मिठाई की तस्वीर बनाई जो कि फौरन ही उसके सामने एक चांदी के तश्त में हाजिर हुए। अगले ही रोज उसने उससे मिलने वाले हर एक इंसान को उनकी जरूरत की चीजों को देकर उनकी मदद करना शुरू की। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स करीब की एक होटल से भारी भरकम और अजीबोगरीब सामान उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसकी वो कोशिशें नाकाम हो रही थी। उस आदमी की मदद के लिए नोआ ने एक सामान उठाने वाली गाड़ी बनाई जो कि भारी भरकम सामान को भी अपने साथ ले जा सके। फिर उसने एक छोटी लड़की को देखा जो नंगे पैर थी और माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी और उसकी किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन नोआ को उसकी परवाह हुई और उसने उसके लिए कुछ आरामदायक चप्पलों के साथ खाने की एक टोकरी की तस्वीर बनाने के लिए आगे बढ़ा। जरा देर के बाद नोआ ने देखा कि कुछ लोग बेघर हैं और शदीद ठंड में सड़क पर कांप रहे हैं, इसीलिए उसने उन लोगों के लिए कुछ छोटे और खूबसूरत से घर बनाए जिन्हें वो अपना कह सके। इस तरह से नोआ ने अपने अरीब करीब के तमाम लोगों की मदद की। एक दिन नोआ जब एक गरीब शख्स की मदद कर रहा था, तब एक खुदगर्ज और लालची मेयर ने उस रहम दिल और मददगार लड़की की जानिब देखा। मेयर ने ये भी देखा कि ये छोटा लड़का एक आम से लेकिन जादुई कलम के साथ किस तरह से इन तमाम चीजों को हवा से बाहर निकाल रहा था। अगले दिन मेयर ने कुछ पुलिस वालों को लड़के को गिरफ्तार करने के लिए कहा और जादू का गलत इस्तेमाल करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मेयर के बनाए हुए कानून के मुताबिक जादू का इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ वहाँ के अमीर लोगों को ही थी। पुलिस ने नोआ को उसके जादुई कलम के इस्तेमाल के साथ गरीब और बदकिस्मत लोगों की मदद करते हुए देखा और उसी मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे खींचकर मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने कहा, नोआ, मैंने देखा है कि तुम कैसे उन बीमार भूखे बेघर गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। अब तुम मेरी भी मदद जरूर करोगे, इसीलिए मेरे लिए तस्वीर बनाओ जो मुझे चाहिए, एक दरख्त जो फकत सोने के फल देता हो। माफ कीजिए साहब, पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं गरीबों और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। आप ना तो गरीब हैं और ना ही जरूरतमंद। ये एक गुजारिश नहीं है नोआ, ऐसा करने के लिए तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। माफ कीजिए लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मेयर। बेवकूफ लड़के, फिर तुम एक जालिम सजा के लिए तैयार रहो। मेयर ने तब अपने खादिमों को नोआ से जादुई कलम छीनने के लिए कहा।
तब एक पुलिस वाले ने बासानी ऐसा किया और उसने कलम मेयर को दे दिया। अब मेयर ने एक सुनहरा फल देने वाले दरख्त की तस्वीर बनाना शुरू किया। ये एक अच्छी तस्वीर थी जो रंग बिरंगी बारीकियों से भरी हुई थी, लेकिन कलम के अंदर का जादू उसका जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को तस्वीर बनाने का काम सौंपा, जिसने कई मर्तबा कागज पर तस्वीर बनाने की कोशिशें भी की, लेकिन वो तमाम नाकाम रहे और हार मानकर पुलिस वालों ने मेयर से कहा, हमें लगता है कि कलम हमारा हुक्म नहीं मानेगी सर, ये फकत नोआ के हाथ को पहचानता है, फकत यही लड़का आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। लालची मेयर बहुत ही जालिम था। नोआ, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछता हूँ, क्या तुम मेरे लिए सुनहरे फल वाले दरख्त की तस्वीर बना रहे हो या नहीं? सोच समझ कर कहो, वो ही तुम्हारे आखिरी लफ्ज हो सकते हैं। नोआ एक बहादुर लड़का था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ इस पूरे मामले को खत्म करना चाहता था। उसने कहा कि वो कुछ तस्वीरें बनाएगा और मेयर ने नोआ को जादुई कलम सौंप दिया। अगली तस्वीर जो नोआ ने बनाई वो कागज के टुकड़े पर एक ज़ईफ़ शख्स की तस्वीर थी, और जिस जादूगर ने होशियार और रहमदिल लड़के को जादुई कलम दिया था वो नोआ को बचाने के लिए हाजिर हो गया। ज़ईफ जादूगर ने आते ही उन पुलिस वालों को बिल्लियों में तब्दील कर दिया और उसने कहा, मेयर साहब, आप खुद के लालची मंसूबों के लिए इस कलम के जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आप ही वो दूसरे इंसान होंगे जो अपनी खुद की पूंछ को चाटेगा। मेयर बहुत खौफ ज़दा हुआ और खौफ की वजह से वो कांपने लगा। फिर ज़ईफ शख्स ने मेयर को इतना लालची और मौका परस्त ना बनने के लिए कहा। मेयर को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने नोआ और जादूगर से माफी मांगी। अगले ही दिन मेयर ने नोआ को उसके रहम दिल कामों के लिए उसकी इज्जत अफजाई की और मदद के लिए तमाम शहर के लोगों के बारे में सोचने लगा, और नोआ ने उन गरीब बदकिस्मत लोगों की मदद करना जारी रखा और खुशी खुशी उसकी जिंदगी गुजरने लगी। कहानी समाप्त। तिलिस्माती अंगूठी। एक दौलतमंद बाप ने अपने बेटे को 300 सोने की अशर्फियां देकर अपने हुनर के साथ तिजारत की तलाश में दुनिया का सफर करने के लिए भेजा। रॉबिन, जो उसके बेटे का नाम था, उसने अशर्फियां ली और अपने वालिद को अलविदा कहा। वो बहुत दूर नहीं गया था, इतने में उसने एक कुत्ते के लिए झगड़ते कुछ चरवाहों को देखा। उनमें से कुछ लोग कुत्ते को मारना चाहते थे। मेहरबानी करके कुत्ते को मत मारो, 100 सोने की अशर्फियां दूंगा। उसने उन लोगों से दरख्वास्त की और उनके साथ एक सौदा किया, और उस बेवकूफ नौजवान ने कुत्ते को उनसे ले लिया और अपने रास्ते चला गया। इसे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि वो फिर कुछ लोगों से जा मिला जो एक बिल्ली के लिए लड़ रहे थे। उनमें से कुछ लोग बिल्ली को मारना चाहते थे। मेहरबानी करके इसे मत मारो, मैं आपको इसके लिए 100 सोने की अशर्फियां दूंगा। फिर क्या था, उन्होंने झट से उसे बिल्ली दे दी और अशर्फियां उससे ले ली। फिर वो एक देहात तक पहुंचने के लिए चलता रहा। कुछ लोग एक सांप के लिए झगड़ रहे थे जो अभी पकड़ा गया था। कुछ लोग सांप को मारना चाहते थे। मेहरबानी करके सांप को मत मारो, 100 सोने की अशर्फियां दूंगा। बेशक लोग उससे सहमत हो गए और वो बेहद खुश थे। एक सांप, एक कुत्ता और एक बिल्ली का नया मालिक बनकर रॉबिन वापस अपने घर लौट आया। तुम बेवकूफ हो, बदअक्ल। जब उन्होंने सुना कि कैसे उनके बेटे ने उसे दी गई तमाम अशर्फियां बर्बाद कर दी हैं, जाओ और गुड़साल में जाकर रहो और सोचो तुमने क्या किया है, तभी फिर मेरे घर में दाखिल नहीं होगे। अब वो अस्तबल में रहने लगा और उसके साथ ही कुत्ते, बिल्ली और सांप थे, ये तमाम जानवर उससे बेहद मोहब्बत करते थे। एक रोज बातचीत के दौरान सांप ने अपने मालिक से कहा, मैं किंग बेसिलिस का बेटा हूँ। एक दिन मैं हवा लेने के लिए मैदान में बाहर आया तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मार डालना चाहा, और आप मेरे बचाव के लिए आए। आपने मुझे बचाया, अपने बेटे को जिंदा देखकर मेरे वालिद को बहुत खुशी होगी। वो कहाँ रहते हैं? अगर मुमकिन हो तो हमें उनसे मिलना चाहिए। अच्छी बात कही। क्या आपने माउंट ओलंपियस देखा है? उस पहाड़
पहाड़ के नीचे पाक झरना है। अगर आप मेरे साथ आकर उस झरने में गोता लगाएंगे तो हम दोनों मेरे वालिद की मुल्क पहुंच जाएंगे और वो आपकी इज्जत अफजाई भी करना चाहेंगे। हालांकि वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप उन्हें जवाब दीजिए आपके दाहिने हाथ की अंगूठी और जादुई बर्तन चम्मच जो उनके पास है। आपके पास अगर वो जादुई चीजें होंगी तो आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और फौरन ही आपको एक खूबसूरत महल मिलेगा। बर्तन और चम्मचों से लजीज खाना खा सकेंगे। सांप के मशवरे के मुताबिक अपने तीनों परेशान दोस्तों के साथ नौजवान ने झरने में कूदने की तैयारी की। उसने अपने दोस्त कुत्ते और बिल्ली को पीछे रहकर सामने दरवाजे पर हिफाजत करने का हुक्म दिया। नौजवान और सांप वहां पहुंच गए। उनके आने की खबर बादशाह बेसिलिस को दी गई। तब बादशाह ने जाकर अपने बेटे को गले लगा लिया। अजनबी नौजवान को सलाम करते हुए उसका अपनी सल्तनत में इस्तकबाल किया। सांपों के जहान में आपका इस्तकबाल है नौजवान। आपने मेरे बेटे की जान बचाई और इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी एक गुजारिश है, आप कोई भी अपनी ख्वाहिश बताएं और मैं एक लम्हे में ही वो दे दूंगा। बहुत शुक्रिया राजा बिसलिस, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी अकलमंद इंसान का फर्ज है कि अगर वो किसी को मुसीबत में देखे तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। आप फकत रहम दिल ही नहीं बल्कि नेक दिल भी हैं। मेरी गुजारिश है कि आप कुछ दिन हमारे यहाँ कयाम करें। नौजवान कुछ दिनों तक वहीं रहा, जिस दौरान उसे बादशाह के बेटे की हिफाजत करने और उसकी रहम दिली के बदले बादशाह के दाहिने हाथ की अंगूठी, तिलिस्माती बर्तन और चम्मच हासिल हुए। वो झरने के पानी से बाहर आया, तब उसने देखा कि उसके दोस्त कुत्ता और बिल्ली उसका इंतजार कर रहे थे और फिर वो एक साथ नदी के किनारे चल दिए, जहाँ तिलिस्माती अंगूठी, बर्तन और चम्मच की ताकतों का इस्तेमाल करने का उन्होंने फैसला किया। ताजिर के बेटे ने अंगूठी से बात की और फौरन ही एक खूबसूरत महल और सुनहरे बालों वाली एक शहजादी उसके रूबरू आई। उसने जल्द ही शहजादी से शादी कर ली और उन सभी ने अपनी एक नई सल्तनत बनाई, जहां लोग तिलिस्माती बर्तन और चम्मच की वजह से कभी भी भूखे नहीं रहे। फिर उसने वक्त के साथ तिलिस्माती अंगूठी का इस्तेमाल किया और अपनी सल्तनत के दूसरे गरीब लोगों की मदद की और वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे। सिर्फ 300 सोने की अशरफियों ने, जिनसे उसने अपने दोस्तों की जान बचाई थी, और उसके बदले में उसे बहुत सारी खुशियाँ मिली और दौलत भी। तो बच्चों, कहानी की सीख है, अच्छे काम का हमेशा अच्छा नतीजा होता है। भेड़िया और 7 छोटे बकरे। एक वक्त की बात है, एक जगह एक बूढ़ी बकरी अम्मी एक खूबसूरत छोटी झोपड़ी में रहती थी। उसके 7 छोटे बच्चे थे। उनकी झोपड़ी के सामने ही एक बड़ा बुरा लालची भेड़िया रहा करता। उसे उन सबको खाने की लालच थी। एक रोज बकरी अम्मी को बाहर जाना था और अपने बच्चों के लिए खाना लाना था, इसीलिए उसने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, आप सबके लिए कुछ जायकेदार खाना लाने के लिए मैं जंगल जा रही हूँ। मेरे लौटने तक दरवाजा न खोलना। अगर बड़ा बुरा भेड़िया हमारी झोपड़ी में आया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो लालची खुद भेष बदल कर आता है, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना मुश्किल है, क्योंकि उसकी आवाज सख्त है, पैर काले और नाखून नुकीले हैं। प्यारी अम्मी, हम बड़े एहतियात के साथ रहेंगे, उस बड़े बुरे भेड़िए को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। हमारी फिक्र ना करें, हम महफूज रहेंगे। ये कहकर बकरी अम्मी चल पड़ी। थोड़ी ही देर में किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। प्यारे छोटे बच्चों, बराए मेहरबानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो, मैं गाना भी गा रही हूँ। एक छोटे बच्चे ने खिड़की से दरवाजे की तरफ लाल मिर्च पाउडर फेंक दी। उस बड़े बुरे भेड़िए को बेहद जलन हुई। उसकी आंखें खुल न सकी और वो यहाँ वहाँ मदद के लिए दौड़ने लगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे,
हमारी माँ की आवाज़ मुलायम और शहद जैसी मीठी है। तुम्हारी आवाज़ बेसुरी और सख्त है। तुम बड़े बुरे भेड़िए हो। हम तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। बड़े बुरे भेड़िए को ये जवाब सुनकर मायूसी हुई और वो शहद का छत्ता ढूंढने के लिए भाग खड़ा हुआ। उसे वो खाना था क्योंकि वो जानता था क्योंकि शहद ही उसकी आवाज मुलायम और नाजुक बना सकती है। जल्द ही उसे एक पेड़ पर शहद का छत्ता नजर आया। खुद के लिए शहद का छत्ता निकालने के लिए उसने उस जानिब एक पत्थर फेंका। शहद की मक्खियाँ उड़ी और उसे काटने लगी। खुद को बचाने के लिए वो पास के तालाब में कूद गया। कुछ देर बाद शहद की मक्खियों के जाने पर उसने शहद खाया और झोपड़ी के जानिब भागा और दरवाजे पर दस्तक दी। प्यारे छोटे बच्चों, अब आप दरवाजा खोलिए। अब यकीनन मैं तुम्हारी प्यारी अम्मी हूँ। अगर तुम हमारी अम्मी हो तो दरवाजे की दरार में पैर रखिए। हम आपके पैर देखना चाहते हैं। भेड़िये ने छोटे बकरे के कहने के मुताबिक किया। उसने उस दरार में अपना पैर रखा। बच्चों ने देखा कि वो पैर काले थे और उनमें से एक बच्चे ने बड़ी हथौड़ी से उस पर वार कर दिया। बड़ा भेड़िया दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हमारी अम्मी के पैर सफेद और तुम्हारे काले हैं। धोखेबाज बड़े बुरे भेड़िये, निकल जाओ। उस वक्त सच में भेड़िये को बड़ा गुस्सा आया। वो फिर से मिस्टर मिलर को मिलने के लिए गांव की जानिब भाग गया। जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा, उसे दूर भगाने के लिए गांव के लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन चोट के बावजूद भी वो भेड़िया मिस्टर मिलर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। सुनो मिस्टर मिलर, मेरे पैरों पर थोड़ा आटा डालो वरना इसी पल मैं तुम्हें काट खाऊंगा। भेड़िया जो कहता था वो यकीनन करता था, इसलिए मिलर बहुत ही खौफजदा हो गए। बाद में बड़ा बुरा भेड़िया फिर से बकरी की झोपड़ी की जानिब भागा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, प्यारे बच्चों, अब आप यकीनन दरवाजा खोलोगे क्योंकि अब तुम्हारी अम्मी आ गई है। शैतानी न करना। हाँ, आपका पैर दिखाएं। लेकिन इस दफा दरवाजे की दरार में सफेद पैर रखने से भेड़िये को डर लगने लगा। कांपने वाले पैर उस दरवाजे की दरार में आ गए और बच्चों ने नुकीले और तेज नाखून देखे, इसलिए उनमें से एक ने चूहे का जाल लिया और भेड़िये के नाखून में फंसा दिया, जिससे भेड़िया दर्द से करहाने लगा। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। तुम्हारे नाखून उस बड़े बुरे भेड़िये जैसे नुकीले हैं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इस दफा भेड़िया बहुत भूखा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे उससे कैसे चालाक निकले। अब उसे किसी भी कीमत पर वो खाने के लिए चाहिए ही थे, इसलिए वो खुद की झोपड़ी की जानिब भागा। उसने नाखून निकालने का किट निकाला और उसने नाखून काट दिए। बाद में उसने उसकी मरम्मत की जिससे वो नुकीले और तेज न रहे। फिर वो दोबारा बकरी की झोपड़ी की जानिब भागा, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरे प्यारे शैतान बच्चों, दरवाजा खोलो और तैयार रहो, इस बार मैं तुम्हें चौंका दूंगी। हमें आपके पैर दिखाएं अम्मी। दरवाजे की दरार से भेड़िये ने अपने पैर अंदर डाले। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि पता नहीं अब आगे क्या होगा, उसे खबर न थी। वो पैर सफेद थे, उस पर कोई भी नुकीले नाखून न थे और आवाज भी उनकी अम्मी की तरह मीठी थी। इसलिए बच्चों ने भी सोचा कि इस बार सच में हमारी अम्मी ही होगी और उन्होंने दरवाजा खोला। इस्तकबाल है अम्मी, आखिर आप घर आ ही गई। बड़ा बुरा भेड़िया अंदर आ गया और सभी छोटे बच्चे खुद को छुपाने के लिए दौड़ने लगे। पहला बच्चा मेज के नीचे छुप गया, दूसरा बच्चा पलंग के नीचे छुप गया, तीसरा बच्चा ओवन में छुप गया, चौथा बच्चा मटकी के पीछे छुप गया, पांचवा बच्चा अलमारी में जाकर बैठ गया, छठा बच्चा धुलाई के टब के नीचे छुपा और आखिरी बच्चा घड़ी में छुप गया। उस भेड़िये ने हर एक की शिकार की
और सबको खा गया, सिर्फ एक को छोड़कर जो घड़ी में छुपा था। बाद में भेड़िया चला गया और हरी घास पर जाकर सो गया। वो थका हुआ और पुरसुकून था, इसलिए वो सो गया। जल्दी उसे नींद आ गई। जब बकरी अम्मी जंगल से घर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है और घर में कोई नहीं है। या अल्लाह, दरवाजा खुला है, यहाँ क्या हुआ? मेज और कुर्सियाँ उनकी असल जगहों पर ना थी, धुलाई का टब टूटा था और बिस्तर भी ठीक ना था। कहाँ हो मेरे प्यारे बच्चों? प्यारी अम्मी, मैं यहाँ हूँ, इस ऊंची घड़ी में। छोटी बकरी को बाहर निकलने में अम्मी ने मदद की। जल्दी उसने सुना कि किस तरह उस भेड़िये ने उसके बच्चों को खाया। फिर वो झोपड़ी के बाहर आई और उसने घास पर लेटे भेड़िये को देखा। जैसे ही उस बकरी ने बड़े बुरे भेड़िये की तरफ देखा, तब उसे उसके पेट में कुछ हलचल दिखी। अरे मेरे प्यारे बच्चे अभी जिंदा हैं, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। इसलिए उसने अपने छोटे बच्चे को कैंची, सुई और थोड़ी रुई लाने के लिए घर भेज दिया। उसने नफरत के साथ उसका पेट कैंची से फाड़ा और उसमें से एक बच्चा बाहर निकल आया। बाद में जल्दी दूसरा बाहर आया। उसने उसके तमाम बच्चे भेड़िये के पेट से बाहर निकाल लिए थे। सभी बच्चे कूद कर अपनी अम्मी के पास आ पहुँचे। जाओ और झरने से मेरे लिए कुछ बड़े पत्थर ले आओ। अभी लाए माँ, जल्दी चलते हैं। उन सातों ही बच्चों ने झरने की जानिब दौड़ लगाई और जल्द ही सात बड़े पत्थरों के साथ वो लौट आए। उन्होंने वो पत्थर उस बड़े बूढ़े भेड़िये के पेट में रख दिए। अब मैं आहिस्ता से इस भेड़िये को सीने वाली हूँ, अब खामोश रहो ताकि वो जग न जाए। जल्दी उसने भेड़िये का पेट सिल दिया। कुछ ही वक्त में आखिर में जब वो बड़ा बुरा भेड़िया जग गया, उसके अंदर के बड़े पत्थर उसे बहुत भारी लगने लगे। मेरे पेट से ये कैसी आवाज आ रही है, इससे मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये तो उन सब की हड्डियाँ होंगी, लेकिन ये इतने भारी कैसी हैं, पत्थर जैसी। इसलिए वो पानी पीने के लिए झरने की जानिब गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया वो पत्थर और ज्यादा भारी हो गए, जिससे वो उस गहरे पानी में गिर गया और डूब कर मर गया। कहानी खत्म हुई। तिलिस्माती घंटी। एक मर्तबा एक देहात में पू नाम का एक मुफलिस लड़का रहता था। वो अपनी वालदा और छोटे भाई के साथ रहता था। पू छोटी झोपड़ी में रहता था जो उस देहात के दरमियान थी। अपने खानदान को संभालने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों के करीब चौपाए चराता था और शाम के वक्त उनके मालिक को संभला देता था। हर दिन जब चौपाए चरने जाते थे, तब पू को दरख्त के नीचे बैठना और अपनी बांसुरी पर दिलकश मौसिकी बजाना पसंद था। अरे पू, तुम यहाँ हर दिन अपनी बांसुरी क्यों बजाते हो? मुझे नहीं मालूम, इस दरख्त से मुझे अपनाइत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दरख्त जिंदा है और मेरी मौसिकी सुनता है। हाँ तुम सही हो। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि तुम सही हो, मुझे लगता है तुम थोड़े दीवाने हो। लेकिन पू सही था, वो दरख्त उसकी मौसीकी सुनता था। उसकी मौसीकी दरख्त के दिल को छूती थी। वो उसकी मौसीकी दिल लगा कर सुनता था और पू के रोज बचाने से वो खुश होता था। एक रोज जब पू दरख्त की टहनी पर सो रहा था, उस वक्त उसे नीचे से एक डरावनी आवाज आई। अरे अरे क्या था ये? अरे जलजला, जलजला। जिस दरख्त पर पू सो रहा था, उसी दरख्त को एक लकड़हारा काट रहा था। कौन है ये शख्स? अरे इसे और थोड़ा वक्त लगेगा। पू को बहुत जल्दी मालूम हो गया कि वहाँ क्या हो रहा है और वो फौरन नीचे उतर आया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ की कटाई क्यों कर रहे हैं? ये दरख्त बहुत ही मजबूत है, इसीलिए मेरे आका कश्ती बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप इसे काट नहीं सकते। वाकई ऐसा क्यों, बताओ? सुनो बच्चे, कश्ती के लिए मजबूत लकड़ी तलाशने में मेरे बहुत सारे दिन जाया हो गए, और ये दरख्त तुम्हारी जागीर नहीं है, इसीलिए मेरा वक्त जाया ना करो।
درخت کی زندگی بچانے کے لیے پو کو کچھ نہ کچھ تو جلدی کرنا تھا، ورنہ بہت دیر ہونے والی تھی۔ اسی لیے اس نے اپنی عقل مندی سے لکڑہاری کو دور بھگانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، خیر بعد میں مجھے مت کہیے گا کہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ کو نہیں پتا، اس درخت پر ضعیف چڑیل کی روح رہتی ہے اور وہ اس جگہ پر کئی برسوں سے رہ رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ درخت کاٹ دیا تو وہ آپ کو پکڑ لے گی، قیدی بنا لے گی، مجھے قیدی بنا لے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو درخت کاٹ رہے ہیں۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو کیا؟ میں تمہاری سوچ سے بھی بہت تیز ہوں بچے، میں تمہارے اس جال میں نہیں پھنسنے والا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ پو نے بہت کوشش کی کہ وہ درخت کو بچا لے۔ جیسے ہی لکڑہارا مصروف ہوا، وہ اوپر چڑھ گیا اور اوپر چڑھ کر سیدھا اور اوپر گیا، جہاں گہری شاخوں میں وہ چھپ گیا اور زور سے صدائیں دینے لگا۔ میرے گھر کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا، کون ہے یہ؟ گھر تم نے میرا گھر توڑ دیا تو میں تمہارے ساتھ رہنے آؤں گی، اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی انسان۔ شاید لڑکا صحیح تھا۔ فکر مت کرو انسان، ہم بے حد اچھے ہمراہ بنیں گے۔ لکڑہارا جتنا تیز دوڑ سکتا تھا اتنا تیز دوڑنے لگا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے میرے دوست؟ جس دوران پو لکڑہارے پر ہنسنے لگا، اسی دوران درخت میں جان آ گئی۔ پو، کوئی اس کے ہمراہ بات کر رہا ہے؟ یہ سن کر پو گھبرا گیا۔ تم کیا واقعی اس ضعیف چڑیل کی روح ہو؟ نہیں پو، میں اس ضعیف چڑیل کی روح نہیں ہوں، مانی میں ضعیف ہوں، لیکن میں اس درخت کی روح ہوں۔ تمہاری موسیقی نے مجھے زندہ کیا۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو پو، اور تمہارا مجھ پر احسان ہے، لکڑہارے سے تم نے میری حفاظت کی۔ اسی لمحہ پو کے سامنے ایک گھنٹی ظاہر ہوئی، وہ فضا میں جھول رہی تھی۔ میری طرف سے تمہارے احسان کا تحفہ۔ ایک گھنٹی؟ یہ کوئی معمولی گھنٹی نہیں ہے میرے دوست، یہ تلسماتی گھنٹی ہے۔ جس وقت تم اسے بجاؤ گے، اس وقت تلسم ہو کر کھانے کے لیے تشت میں لذیذ کھانے بھر جائیں گے۔ صحیح میں بہت بڑھیا، یہ میرے اور میرے خاندان کے کام آئے گی۔ ہاں حقیقت، پر دھیان رہے پو، تم یہ گھنٹی دن میں فقط ایک مرتبہ بجاؤ گی۔ ضرور خیال رکھوں گا، شکریہ درخت دوست۔ یہ واقعہ بھائی اور ماں کو بتانے کے لیے پو دیہات کی جانب بھاگا۔ ماں، رونی، یہاں آؤ، دیکھو میں کیا لایا۔ اس نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ تلسماتی گھنٹی دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی پسندیدہ اشیاء کی خواہش کی، وہ گھنٹی بجائی اور ان کی پسندیدہ چیزوں کا لطف اٹھایا۔ کافی دیر بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تب وہ لوگ گہری نیند میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے روز کی صبح ہمیشہ کی طرح پو چوپایوں کو چرانے کے لیے انہیں چارہ گاہ لے گیا اور گھنٹی گھر میں بھول گیا۔ وہ جب شام کو گھر آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا، اسے تمام برتن خالی دکھائی دیے، اس کے کھانے کے لیے کچھ بھی بچا ہوا نہیں تھا۔ پو بے حد غمزدہ ہو گیا اور اس نے الماری سے بچا ہوا کھانا لیا۔ بچا ہوا کھانے کے بعد وہ آدھا پیٹ کھا کر ہی سو گیا، لیکن بھوک سے پیٹ میں آوازیں ہونے لگی اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اس نے اگلے دن جاتے وقت تلسماتی گھنٹی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی ماں اور بھائی بہت بھوکے تھے، اس وقت انہوں نے اس گھنٹی کو تلاش کیا۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک پوری جھونپڑی کو تلاشا، لیکن انہیں تلسماتی گھنٹی نہیں ملی۔ وہ بہت غمگین ہو گئے، انہیں لگا ان کی گھنٹی کہیں کھو گئی۔ ان کے قریب گھنٹی بھی نہیں تھی اور کھانا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ خالی پیٹ ہی سو گئے۔ شام کو جب پو گھر لوٹایا، تب اس نے اپنی جھولی سے تلسماتی گھنٹی باہر نکالی اور اپنی پسندیدہ کھانے کی خواہش کی۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں اور چھوٹا بھائی بہت رنجیدہ ہوئے، اور اس کا چھوٹا بھائی رونے لگا۔ اس نے کہا، بھائی ہم بہت بھوکے تھے اور گھنٹی تلاش رہے تھے، تم بے حد ہی مطلبی بن گئے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سن کر پو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ, लिहाजा उसने ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। आपने इस घंटी से खाना लिया, लेकिन आपने मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। मैं थका हुआ था और खाली पेट ही सो गया। मुझे बहुत बुरा लगा और इसीलिए मैं गमजदा था और गुस्से में था। पू की माँ और भाई को उनकी की गलती का एहसास हुआ। उस शब उन सब ने एक खानदान की तरह खाना खाया और आइंदा से वो कभी भी खाली पेट नहीं सोए और बाद में वो तमाम खुशी के साथ रहने लगे। कहानी खत्म हुई। पिनोकियो। कई साल पहले एक खिलौने बनाने वाला था जिसका नाम था जेपेटो। जब वो काम करता था तो उसे खुशी महसूस होती, लेकिन जब वो आराम करता तो जेपेटो मायूस हो जाता। पूरी जिंदगी मैंने बसर की बच्चों के लिए, लेकिन मेरी खुद की कोई औलाद नहीं। एक रोज जेपेटो ने एक लकड़ी के टुकड़े की कठपुतली बनाई जो एक लड़के की शक्ल की थी। उसे अलमारी में रखते हुए उसने कहा, आज से तुम्हारा नाम पिनोकियो है। उस रात एक बड़ा सा तारा खिड़की के बाहर टिमटिमा रहा था। जेपेटो ने खिड़की के बाहर उस टिमटिमाते हुए तारे को देखा और एक नामुमकिन दुआ मांगी। ओ टूटे हुए तारे, ये मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरा एक खुद का बच्चा हो। उस रात वही टूटा हुआ तारा जेपेटो के कमरे में आया और वो नीली खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। नीली परी बिस्तर के ऊपर उड़ने लगी और सोते हुए जेपेटो से फरमाया, प्यारे जेपेटो, तुमने घड़ियां और खिलौने बना के सबको खुशियां दी है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। फिर वो पिनोकियो के जानिब बढ़ी और कहा, छोटी सी कठपुतली, तुम असल लड़के की तरह चल फिर सकोगे और बात कर सकोगे। उसने कठपुतली पर अपनी जादुई छड़ी रखी और अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम एक सच्चे और बहादुर हो तो एक दिन तुम असल इंसान में तब्दील हो सकते हो। पिनोकियो की आंखें खुल गई और दूसरी बार जादुई छड़ी फहराने पर एक पतंगा आ गया। ये है मियां जैमिनी पतंगा, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और तुम्हें सही फैसले लेने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। ये कहकर नीली परी हवा के झोंके के साथ एकदम गायब हो गई। जब दूसरी सुबह जेपेटो जागा तो उसने कहा, मैं जरा अलमारी से पिनोकियो को निकालता हूँ और उसे जरा अच्छे से तराशता हूँ। लेकिन अलमारी तो खाली पड़ी थी। जेपेटो फिक्रमंद हुआ और वो पूरे घर में पिनोकियो को ढूंढने लगा। अचानक दूसरे कमरे से एक आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ अब्बा जान। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं पिनोकियो हूँ, आपका बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाग के पिनोकियो के करीब गए और उसे गले लगा लिया। पिनोकियो, मेरे बच्चे, उन्होंने मसर्रत से कहा। एक रोज पिनोकियो ने कुछ बच्चों को मदरसे जाते देखा और उसने जेपेटो से कहा, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह मदरसा जाना है। बाद में उस रोज जेपेटो मदरसे की किताबों के साथ घर लौटा। अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। अगली सुबह पिनोकियो ने जेपेटो को खुदा हाफिज कहा। वो हंसते खेलते गुनगुनाते हुए स्कूल की जानिब बढ़ा। उसके कंधे पर बैठा पतंगा भी बेहद खुश था। उनके रास्ते में उन्हें एक लालची लोमड़ी और बुद्धू बिल्ली मिली। तुम कितने प्यारे बच्चे हो और तुम तशरीफ कहाँ ले जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तुम्हें तो हमारे हमराह मेले में आना चाहिए। उसने अपना हाथ पिनोकियो के कंधे पे रखा। सुनो मेरी बात, जो भी तुम्हें जानना हो तुम मेले में सीख सकते हो। सच? हाँ मेरे बच्चे, अब क्या मैं तुम्हें लिख कर दे दूँ? हाँ, तुम इनसे लिख कर ले ही लो। खामोश बुद्धू, इसे दरगुजर कर दो पिनोकियो। चलो मेले में चलते हैं, फिर तुम अपनी आँखों से खुद देख लेना। तब जेमिनी ने कहा, पिनोकियो, इसे खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। लोमड़ी ने जेमिनी को अपनी उंगली से दूर उड़ाकर फेंक दिया।
पिनोकियो, इसे अनसुनी कर दो। ठीक है, चलो मेले में चलें। जैसे ही वो रवाना हुए, रुक जाओ पिनोकियो, रुक जाओ। लेकिन पिनोकियो, लोमड़ी और बिल्ली ने उसकी एक न सुनी। वो तो मेले में दाखिल भी हो चुके थे। स्टेज पर कठपुतलियों का मजेदार खेल चल रहा था। मैं भी तो कठपुतली हूँ, मैं भी वैसे नाच सकता हूँ। पिनोकियो स्टेज पर कूद पड़ा और दूसरी कठपुतलियों के साथ नाचने लगा। अचानक पूरा मजमा मसरत से भर गया। उस कठपुतली को देखो, उसकी तो रस्सी नहीं है। रस्सी नहीं है? वाह! हर कोई खूब हंसने लगा और स्टेज पर सिक्के भी फेंके। मेले का मालिक, जिसका नाम स्ट्रोम्बोली था, वो एक लालची और खुदगर्ज इंसान था। जब उसने स्टेज पर सिक्कों को उछलते देखा तो उसने सोचा, क्या बात है, ठुड्डी सहलाई, ये बिना धागे की कठपुतली मुझे रईस बना देगी। और उसके बाद उसने पिनोकियो को उठाकर पिंजरे में बंद कर दिया। ओए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो या मेरे अब्बाजान को बुलाओ, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो बच्चे? जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, सिर्फ तुम्हें। मुझे दुनिया का रईस आदमी बना सकते हो। स्ट्रोम्बोली के चले जाने के बाद पिनोकियो मदद के लिए चिल्लाने लगा। आखिर जेमिनी पतंगा उसकी इमदाद के लिए पहुंच गया। मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये आप ही की गलती है। अब ना रोए, मैं यहीं पर मौजूद हूँ, हम कोई राह ढूंढ ही लेंगे। और अचानक नीली परी हाजिर हो गई। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। पहले मुझे ये बताओ, तुम इस पिंजरे में दाखिल कैसे हुए? उसने उस वाक्ये के बारे में परी से झूठ बोलने का फैसला किया और फिर कहा, मुझे किसी ने लूट लिया। क्या ये सच है? उसने गुस्से से पूछा। पिनोकियो की नाक लंबी होनी शुरू हो गई। हाँ, दो लोगों ने लूटा, नहीं चार। नाक और लंबी हो गई। उन्होंने मेरी किताबें ली और मुझे यहाँ पहुँचा दिया और मुझे पिंजरे में डाल दिया। उसकी नाक बढ़ती ही गई और तब तक लंबी हुई जब तक पिनोकियो को अपने सामने कुछ और नजर न आया सिवाय एक बहुत बड़ी नाक के, जिस पर चिड़िया घोंसला बना रही थी। मेरी नाक इतनी लंबी क्यों हो गई? पिनोकियो, दोबारा सोच लो क्या सच है। मेरे ख्याल में मैं मेले में जाना चाहता था, मैं बिल्ली और लोमड़ी के साथ यहाँ आया था। नाक थोड़ी छोटी हुई और घोंसला गिर गया। फिर किसी ने मुझे इस पिंजरे में डाल दिया। नाक मामूल पर आ गई। बहुत खूब, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। उसकी जादुई छड़ी घुमाते ही पिनोकियो पिंजरे से बाहर आ गया। ये रही तुम्हारी किताबें, ये जान लो अब तुम खुद अपनी जिम्मेदारी हो, अगली बार सच का साथ ही देना। ये कहकर नीली परी गायब हो गई। पिनोकियो स्कूल की राह पर निकल पड़ा। एक बग्गी सवार खूबसूरत सफेद घोड़े के संग हाजिर हुआ। उस खूबसूरत बग्गी पर लिखा था, खुशियों का जजीरा। सुनो बच्चे, बग्गी में बैठना चाहोगे? नहीं शुक्रिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, मुझे जल्द अज जल्द स्कूल जाना है। जब पिनोकियो बैठ गया तो घुड़सवार ने कहा, अच्छा बच्चे, ये बताओ तुम जैसे बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? चीजें सीखने के लिए और बड़े होने के लिए, शायद फिर वो करें जो हम करना चाहते हैं। हो, अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अभी भी वही कर सकते हो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। आप भी? हाँ, जरा सोचो, छोड़ो बयाजे, छोड़ो स्कूल, अगर तुम जितनी भी टॉफी खाना चाहते हो खा सकते हो। सारी टॉफियां? हाँ, आइसक्रीम, हर तरह की आइसक्रीम और कैंडीज और भी बहुत कुछ खुशियों के जजीरे में। खुशियों का जजीरा? तुम जैसे बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह। इसके ना सुनो पिनोकियो। इंतजार किस बात का, मैं जानता हूँ खुशियों का जजीरा कहाँ है। आखिरी मौका है बच्चे, बोलो
चलोगे कि नहीं? चलो चलें खुशियों के जजीरे पर। ये नहीं सुधरेगा। कुछ देर बाद बग्घी रुक गई। जैसे ही पिनोकियो ने अतराफ में देखा वो पुरजोश हो गया। जो भी घुड़सवार ने उससे कहा था वो सब सच था। हर जगह टॉफियों का ढेर था, हर तरह की आइसक्रीम के बड़े बड़े डिब्बे। उसकी तरह के बच्चे बस खा 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 सकते थे और खूब खेल सकते थे। किसी को कोई काम या सफाई नहीं करनी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सा लगा, तो उसने जेमिनी से पूछा, सारे बच्चे कहाँ चले गए? मुझे तो सिर्फ गधे ही नजर आ रहे हैं। मुझे पता है और भी बच्चे मौजूद थे यहाँ। और तभी उसका एक कान गधे जैसे हो गया, फिर उसका दूसरा कान भी गधे की कान में तब्दील हो गया। ओ खुदाया, क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता। हे हाँ, हे हाँ। ओहो, अब मुझे समझ आया, यहाँ के बच्चे गधों में तब्दील हो गए हैं, फिर उन्हें फरोख्त किया जाएगा। पिनोकियो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्द। चलो। हे हाँ, हे हाँ। भागो, जल्दी। वो खुशियों के जजीरे से भाग खड़े हुए और किनारे पर पहुंच गए। पिनोकियो ने एक आदमी को आवाज लगाई, जनाब मैं एक बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम जेपेटो है, क्या आप उसे जानते हैं? अरे हाँ, वही जिसका बेटा सुबह निकला था और जो आया ही नहीं। वो आदमी उसे ढूंढने के लिए निकल गया और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। ओ नहीं, ये सब मेरी गलती है। मुझे अपने अब्बा को तलाश करना होगा, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा अब्बा। पिनोकियो ने वहाँ से समंदर में छलांग लगा दी, सात पतंगा भी कूद गया। पिनोकियो का जिस्म लकड़ी से बना था इसलिए वह आसानी से तैर गया। तभी उसने देखा कि कुछ बहुत बड़ी चीज बड़ी तेजी से उसकी जानिब बढ़ रही है। पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी वेल अपना मुंह खोले उसके सामने खड़ी थी और एक ही झटके में उसने पिनोकियो को निगल लिया। पतंगा और पिनोकियो गिरते पड़ते वेल की पेट में एक जगह पर मुश्किल से रुक गए। तुम ठीक हो? पिनोकियो ने पतंगे से पूछा। मैं ठीक हूँ। रुकिए, अब्बा, अब्बा क्या ये आप हैं? अब्बा, अब्बा मैं पिनोकियो हूँ। पिनोकियो, मेरे बच्चे, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। वो मसर्रत से गले मिले। पिनोकियो अपने अब्बा को अकेला छोड़ने पर पशिमान था और जेपेटो पिनोकियो को वापस पाकर बेहद खुश था। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको अकेला छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। एक तरकीब है, आग जलाते हैं और बाहर निकलते हैं। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए जो वेल ने गलती से खा लिए थे और फिर उसमें आग लगा दी। इस तरह से वेल को छींक आएगी। पिनोकियो ने हाथ से आग को हवा दी ताकि खूब धुआं उठे। धीरे धीरे काले धुएं के बादल बनने लगे। वेल को खांसी आ गई और फिर अच्छू, एक छींक में पिनोकियो, जेपेटो और पतंगा वेल के मुंह से बाहर आ गए। समंदर की लहरों पर बहते हुए वो आखिरकार किनारे पर आ गए। फिर अचानक नीली परी उनके सामने आ गई। पिनोकियो, तुमने अपने अब्बा की जान बचाई, तुमने अपनी दिल की बात सुनी और साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे और बहादुर हो और अब तुम एक जीते जागते इंसान बन सकते हो। नीली परी ने पिनोकियो के सर पर जादुई छड़ी रख दी। पिनोकियो इंसान बन गया, उसने खुद के मुलायम जिस्म को महसूस किया। नीली परी ने पतंगे की जानिब मुतवज्जा होकर कहा कि अब उसका काम खत्म हो गया और यकायक दोनों गायब हो गए। फिर पिनोकियो और जेपेटो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। खत्म शुद। ओज का जादूगर। बहुत सालों पहले लॉरेंस नाम की जगह में डोरोथी नाम की एक छोटी बच्ची रहा करती थी। वो खेतों में अपनी चाची इम और चाचा हेनरी के साथ रहा करती थी। उसके पास टोटो नाम का एक कुत्ता भी था।
एक दिन उसे पता लगा कि मौसम अजीब हो रखा है, बादल बहुत घने और गरज रहे हैं। चाचा हेनरी दरवाजे के पास बैठकर आसमान की जानिब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बादल हमेशा से कुछ ज्यादा ही काले हैं। डोरोथी उसके टोटो को हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बैठ गई और आसमान की जानिब देखने लगी। जब उसने हवा के तेवर देखे तब उसकी चाची जो बर्तन धो रही थी वहाँ से उठकर तूफान का हालचाल देखने के लिए बाहर निकल आई। अचानक से टोटो ने डोरोथी के हाथ से छलांग मारी और उस तूफान की तरफ दौड़ गया और वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। आखिर थोड़ी देर बाद टोटो गर्म हवा के गुब्बारे के नीचे छिप गया जो खेत की दूसरी जानिब था। वहाँ वो एक बहुत ही मजेदार इंसान से मिली जिनका नाम प्रोफेसर मार्वल था और वो गर्म हवा वाला गुब्बारा उन्हीं का था। उन्होंने बड़े ही मजेदार अल्फाजों में डोरोथी का इस्तकबाल किया। सिन सिन साला बिन, अगर मेरे अल्फाज सही हैं तो तुम छोटी लड़की डोरोथी होगी। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला, डोरोथी ये सोचने लगी। अचानक उसने देखा कि एक तूफान उसकी तरफ आ रहा है। उसने टोटो को उठाया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर के तहखाने की जानिब भागी। जब वो वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो घर के अंदर भागी और जब तूफान आया तब वो गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। उस तूफान ने सारे घर को बहुत ऊपर उछाला जिसमें डोरोथी और टोटो भी थे। थोड़ी देर बाद वो घर जमीन पर वापस आ गया। डोरोथी बाहर आई तो उसे पता चला कि वो किसी अलग जगह पे आ गई है। वो जगह लॉरेंस से भी ज्यादा रंगीन और खूबसूरत थी। जल्द ही शुमाल की जानिब से एक नर्म दिल चुड़ैल ग्लिंडा वहाँ हाजिर हो गई और उसने उसका इस्तकबाल किया। आदाब डोरोथी, ओस की दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल है। मैं शुमाल की जानिब की चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद है उस जगह तूफान आया था और उसके बाद तुम यहाँ आ गई मेरी प्यारी डोरोथी। वो तूफान मतलब ओस की दुनिया में आने का मरकजी दरवाजा है और मशरकी सिमत की शरीर चुड़ैलों को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हारे मकान ने तो मारा, बात तो एक ही है ना? देखो, ग्लिंडा ने घर के कोने की जानिब इशारा किया। ये उसके दो पैर हैं। अभी तक एक लकड़ी के झुरमुट को बाहर से नीचे तक चिपका हुआ है। डोरोथी ने उस पर यकीन किया और डर के मारे रोने लगी। उस मक्कार चुड़ैल की बहन ने भी वो सारा मंजर देखा था और बहुत जल्द वो भी वहाँ हाजिर हो गई। वो उसकी झाड़ू पर बैठकर उड़ रही थी और उसकी बहन को मारने की वजह से डोरोथी पर बेहद गुस्सा थी। ए छोटी चूहिया, मेरी बहन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बहन के चप्पल पहनने की जो जुर्रत की है वो मेरे हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डोरोथी को खबर ही न थी कि कैसे रूबी के चप्पल उसके खुद के पैरों में आए थे, लेकिन बेहद कोशिशों के बावजूद भी वो अपने पैरों से उन्हें निकाल न पाई और अचानक मगरिबी समत की शरीर चुड़ैल ने डोरोथी पर जादुई कलमात पढ़े जो उसी पर उलट पड़े और वो आग में झुलस गई। उसे बद्दुआ देते हुए वो बोली, ए छोटी चूहिया, मैं जल्द ही लौट आऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दूर चली गई और डोरोथी ने एक पक्का दुश्मन बना लिया था। डोरोथी घबरा गई और उसने कहा, ग्लिंडा अब मैं क्या करूं? वो मेरे लिए जरूर वापस आएगी। ठीक है, फिकर ना करो। अब तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लॉरेंस को लौट जाओ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे जाऊं। तुम्हें इमरान शहर में ही जाना होगा, वहाँ ओस का अजीम जादूगर रहता है, वहीं तुम्हारी मदद करेगा। मैं एमरल शहर तक कैसे जाऊँ? वो बहुत दूर है क्या? आप मेरे हमरा चलेंगी? तुम पीले ईंटों के रास्ते की रहनुमाई में चली जाना, वो रास्ता बहुत लंबा है।
और वो रूबी जूते तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक तुम ये चप्पलें पहनी हो तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाएगा। जल्द ही डोरोथी और टोटो ने पीले ईंटों का रास्ता ढूंढा और उस पर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद डोरोथी आराम करने के लिए बैठ गई। उस जगह रास्ते के बगल में एक मकई का खेत था। खेत के बीच में एक पुतला था। डोरोथी ने उसकी जानिब देखा और वो हंस पड़ी। हमारे लॉरेंस में भी ऐसे पुतले होते हैं। सही कहा। डोरोथी ने उस पुतले की जानिब ताज्जुब से देखा, लेकिन हमारे लॉरेंस के पुतले बोलते नहीं हैं। मैं ज्यादा बोलता नहीं, कौवे मुझसे डरते नहीं। उनके पास दिमाग है, मेरे पास नहीं। ओ भाई जान, शायद मैं आपकी इमदाद कर सकती हूँ। वो खड़ी हो गई और उसने उस पुतले को बांस से नीचे उतार दिया। ये सही है, मैं अब मेरे पैर हिला सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? मेरा नाम डोरोथी है। मैं ओस के अजीम जादूगर से मिलने एमरल्ड शहर जा रही हूँ। मैंने सुना है कि बस एक वही है जो मुझे मेरे घर लॉरेंस तक पहुँचा सकते हैं। ये नाम कभी सुना नहीं है और याद रखने के लिए मेरे पास जहन नहीं है। और क्या तुम्हें लगता है कि वो जादूगर मुझे थोड़ा दिमाग दे पाएगा? आप मेरे हमरा चलकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दोनों एक साथ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो टिन से बने इंसान से मिले। तुम लोग कहाँ चले? हम उस के अजीम जादूगर से मिलने के लिए एमरल्ड शहर जा रहे हैं। हमें जो चीजें चाहिए वो बस वही दे सकते हैं। ओ, मेरे पास दिल नहीं है। क्या वो जादूगर मुझे दिल दे सकता है? आप हमारे हमरा चल कर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, मैं अब तुम लोगों के साथ चलता हूँ। वो तमाम पीले ईंटों के रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता घने जंगल से गुजरता था। वो जंगल अंधेरे से भरा हुआ और अजीब सा था। एक हिलने वाली झाड़ी को देखकर टोटो भौंकने लगा और उसके बाद अचानक उस झाड़ी के पीछे से एक बड़ा शेर सामने आ गया। वो सभी घबरा गए और कांपने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही ताज्जुब हुआ क्योंकि शेर तो रो रहा था जोर जोर से। ओहो, सबसे पहले तुम यहाँ कहाँ से आए और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ये हमें बताओ। रो क्यों रहे हो तुम? मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं सबसे डरता हूँ। मैं जब डरता हूँ तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है, मैं क्या करूँ? कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है और तुम्हारे पास दिमाग भी तो है। टोटो और मुझे घर जाना है। हम वहाँ वापस लौटने के लिए ओस के जादूगर की मदद मांगने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है वो जादूगर मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं डरपोक ना रहूं? ऐसा सुना है कि वो जादूगर बहुत ताकतवर है। तुम हमारे हमराज चलो और पूछ सकते हो। वो तमाम एमरल्ड शहर में दाखिल हो गए। वो जगह बेहद खूबसूरत थी, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। उस जादूगर को शहर में हर कोई जानता था, लेकिन जाती तौर पर किसी ने उसे देखा नहीं था। वो सभी किले के करीब पहुँच गए। उस किले का गुम्बंद गर्म हवा के गुब्बारे की तरह था जो उसने तूफान के वक्त देखा था। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगी तो शाही सिपाहियों ने उसे रोक लिया। आप एमरल्ड शहर के किले में पहुंच गए हैं, मैं आपकी क्या इमदाद कर सकता हूं? मैं ओस के अजीम जादूगर से मिलने आई हूं। हम बहुत दूर से आए हैं, हम उनका वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। मुझे जादूगर से इजाजत लेनी होगी, तब तक तुम यहीं ठहरो। आखिर जादूगर ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। जिस वक्त वो दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तख्त पर बादशाह का साया है। बहुत ही बड़ा और भयानक था वो। सिम सिम सलबिम। आदाब डोरोथी, लॉरेंस शहर की बच्ची, मैं जानता हूँ। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस आवाज को पहचानती हूँ, लेकिन कहाँ पर? ओह सुनिए, ओस के अजीम जादूगर, आपको मेरा आदाब, हमारी इमदाद कीजिए। अरे छोटी डोरोथी, मैं तुम्हारी बिल्कुल इमदाद करूँगा। तुम मर्दूत चुड़ैल की झाड़ू पकड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो सभी उस चुड़ैल के किले की जानिब रवाना हुए। मक्कार चुड़ैल डोरोथी की रूबी वाली चप्पलें लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये चप्पलें मौजज़ाई हैं। जिस वक्त वो मक्कार चुड़ैल के किले के करीब पहुंची, उसने आदाब करके कहा, दोबारा मिलकर खुशी हुई छोटी चुहिया, आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए।
अब तुम मुझे मेरे रूबी चप्पलें लौटा दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अब मैं सबका कत्ल करने वाली हूँ। उसने खुद सबको एक के बाद एक मारने का मंसूबा बनाया। उसने अपनी झाड़ू से उनकी तरफ आग बरसाई। डोरोथी उस आग से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। उसकी रूबी चप्पलें चमक गई और पानी का जोरदार बहाव उसके हाथों से बाहर निकला। वो आग बुझ गई। वो मकार चुड़ैल बेहद गुस्सा हुई। जैसे ही उसने अपनी छड़ी जादुई कलमात बोलने के लिए ऊपर उठाई, टोडो दौड़ा और उसने उसका झाड़ू पकड़ा। चप्पलें दोबारा चमकने लगी और डोरोथी ने सीधा उस चुड़ैल की जानिब आग बरसाई। वो खुद के ही किले में जल गई और पिघल गई। डोरोथी ने उस मक्कार चुड़ैल का झाड़ू उठाकर जादूगर को दे दिया। वो देखने के बाद उनका काम पूरा हो गया। जादूगर ने अपना असल चेहरा उनके सामने जाहिर किया। वो प्रोफेसर मार्वल थे। प्रोफेसर मार्वल ने डोरोथी को लॉरेंस के घर जाने की इजाज़त दी। उन्होंने पुतले को तालीम की सनद दी, शेर को हौसले का तमगा दिया और टिन के इंसान को दिल के शक्ल की घड़ी दी। सारे बेहद खुश थे। डा भी उनके सामने हाजिर हुई। ऑज की दुनिया में तुमने सबकी मदद की है, इसलिए ये रूबी चप्पलें तुम्हारी हैं। अब तुम जब भी चाहो उन्हें ले जा सकती हो और अगर मुस्तकबिल में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो चप्पलें एक दूसरे पर तीन बार पटखना और मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगी। डोरोथी ने सभी साथियों को अलविदा कहा। प्रोफेसर मार्वल, डोरोथी और टोटो ने गर्म हवा के गुब्बारे में छलांग लगाई। उसे खबर होने से पहले ही वो अपने घर लॉरेंस आ चुकी थी। चाची इम और चाचा हेनरी उसे उठाने की कोशिश में लग चुके थे। कितना हैरत अंगेज हौसला उसने दिखाया था, लेकिन चाचा चाची के लिए वो बस एक सपना ही था। जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई तो उसने देखा के चमकदार लाल रूबी की चप्पलें उसके पैरों के पास ही हैं। कहानी खत्म हुई। चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत अरसा पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बेहद काम करती थी। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का मशक्कत भरा काम वो करती थी। उनका ये काम बेहद नज्म व ज़ब्त से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में रहा करती। सुबह की पहली शुआओं के साथ वो अपने सर पर बड़े भारी गेहूं के दाने लेकर तवाज़न कायम करती। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए दोबारा वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम करे बस आती जाती रहती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखा करती। वहाँ दूसरी जानिब एक आलसी टिड्डा बस छाँव में बैठा रहता और गाने गाता। मुस्तकबिल में क्या होगा उसकी फिक्र किए बिना वो आराम से बस छांव में बैठा रहता। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पे रहम आती थी। दिन गुजर रहे थे तभी आलसी टिड्डा घास पर कूदता और आराम से लजीज खाना खाता रहता। बस गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। जब चींटियां दाने लाकर घर में संभाल कर रख रही थी और मेहनत कर रही थी। एक दिन रोजाना की तरह जब सारी चींटियां दाने ला रही थी तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिर गई और दर्द की वजह से रोने लग गई। उसकी मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, मियाँ टिड्डे, ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपनी ही मौसिकी में मगन हो गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वो चली गई। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। थोड़ा आराम फरमाओ और मेरी मौसकी भी सुन लो। गर्मी है और दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गवा रही हो? चींटी ने अनसुनी करके गर्दन घुमा ली और जल्दी में वो खेत की जानिब रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो,
टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ आओ मेरे साथ नाचो गाओ, काम कबूल कर गर्मी का थोड़ा लुत्फ लेते हैं। मैं मौसम में बारिश के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, चींटी ने कहा, और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। बारिश की इतनी फिक्र क्यों करनी है, टिड्डे ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त भी है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि आखिर वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। यहाँ टिड्डा पूरे मौसम में अपने ही नाच गानों में मसरूफ रहा। सारा दिन काम करके बारिश की तैयारियां करने की बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना इन सब को अहमियत दी। ये खूबसूरत मौसम गर्मा के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश, फिर सर्दियां आने वाली हैं, ये तो वो भूल ही गया। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में तब्दील हो गया और बारिश के बाद मौसम सर्मा आ गया। सूरज अब बहुत ही कम दिखता था, दिन छोटा था और जबकि रात लंबी और अंधेरी थी। हर जानिब भयानक सर्दी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा, खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा, लेकिन जोरों की हवा चलने पर उसे ठंड लगती थी। उसे बेहद भूख लगा करती लेकिन खाने के लिए कुछ न मिलता। उसे पता लग गया कि अगर खाने के लिए जल्दी कुछ न मिला तो वो मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। जल्द ही उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। मारे सर्दी के वो भूखा था। उसे बर्फ से बचने के लिए न तो घर था और न खाने के लिए खाना था। तमाम हरियाली और खेत बर्फ से लिपटी हुई थी और खाने के लिए कुछ न था। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं खाने के लिए क्या खाऊँ? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार की मौसम सरमा हर बार से भी ज्यादा बुरी होगी, ये तो उसने सोचा ही न था। न तो अपने खाने का इंतजाम उसने किया था और वो करने के लिए वो दूसरों की मदद भी न कर रहा था, और सिर्फ इसी वजह से वो अगली मौसम गर्मा देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का मजा ले रही हैं। मैं चींटी के पास जाता हूँ, मुझे वहाँ खाना मिलेगा और पनाह भी। टिड्डा बेहद शर्मिंदा हो गया। वो थक कर चींटियों के घर तक गया और उसने दरवाजा खटखटाया। आदाब चींटियों, वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों के लिए गाने, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी चाहिए ताकि मैं गा सकूं। नहीं नहीं जनाब टिड्डे, हमें आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्डे ने उन्हें घर में दाखिल होने की दरख्वास्त की और जिंदा रहने के लिए खाना देने की भीख मांगी। क्या? चींटी ने हैरत से कहा, मौसम सर्मा के लिए आपने कोई इंतजाम न किया, तो मौसम गर्मा में आप आखिर कर क्या रहे थे? वो मुझे खाना जमा करने के लिए वक्त ही नहीं मिला, टिड्डे ने अपनी वजह बताई। मैं मौसकी में इतना मुब्तिला था कि पता ही चला कि गर्मियों का वक्त कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ नफरत से देखा और उसकी जानिब पीट करके अपने अपने काम पर रवाना हो गई। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस पड़ा था वो उसकी जानिब मुड़कर बोली, तमाम मौसमी गर्मा मैं काम करती रही और तुम गाना बजाते रहे और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास न तो खाना है और न ही आसरा है। मौसम सरमा के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाजा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। खत्म।